उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रविवार सुबह थाना ललिया क्षेत्र के सतरहिया गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से रामशंकर की एक भैंस की हुई मौत। घटना के चलते गांव में मची अफरा तफरी। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी बिजली विभाग कर्मी को दी, तब सप्लाई बंद हुई। कृष्ण चंद वर्मा प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि विगत माह में एक गाय की भी मौत हो चुकी है। अन्य ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले अचानक तार टकरा कर जलने लगता है। पत्रकार जी, ऐसा है, यहाँ हमें सूचना मिला कि 6 बजे के आसपास में ये दुर्घटना हुआ है। और सर, जो मुझे मालूम हुआ तो वहाँ से मैंने स्वयं अपना आए उसकी सुबह 6 बजे। उसके बाद में यहाँ आ करके हमने जो है बिजली रहते में ये भी नहीं कि सप्लाई नहीं थी, सप्लाई चल रही थी। हमने दोनों आर्थिंग का तार पकड़ करके अपने हाथ से चेक किया कि किसमें सप्लाई आ रहा है। सर, काफ़ी लोग थे, उनके सामने की बात है, लेकिन इसमें कोई करंट वगैरह नहीं थी। लेकिन मैंने शक के आधार पर जो आर्थिंग लगा है उसका आर्थिंग कटवा करके मैंने हटवा दिया है। और उसमें जो है और कोई ना कहीं तार के छुआ है ना कोई ऐसी बात, बरसात की वजह से ये दुर्घटना हुआ है। यहाँ लाइट मैन आते हैं और उनके लापरवाही से ऐसे आए दिन ये घटना होती है। इसके पहले करीबन 8-9 महीना पहले एक गाय भी मर गई थी, एक बच्चे को भी करंट लग गया था ट्रांसफार्मर से, और आज ये भैंसा भी इनका मर गया। ये सब लाइन मैन और तमाम लोग आते हैं, खंभे पे चढ़ के जाते हैं, नाप सनाप तार जोड़ के जाते हैं, इसकी वजह से करंट जमीन में उतर जाती है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं किया? कई मरतबा मीडिया को भी हम सब करंट लगी थी बुलाए थे, और लाइन मैन से इनको मालिक्राम को भी बताए थे। लेकिन क्या अभी सुधार नहीं हुआ? अब सुधार होता तो फिर क्यों पस मर जाता आज। क्या नाम है आपका? कृष्ण वर्मा। अच्छा, यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं? हाँ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।